हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर भारत मानी व्लॉग्स पर। और आज के दिन होली है, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूँ और ये मैं व्लॉग्स शुरू करता हूँ। दोस्तों तो देखिए, अभी हम हैं यहाँ पर थाने रेलवे स्टेशन पे। आप देख सकते हो कि कितना क्राउड है, लेडीज़ लोगों का क्राउड है, जबकि ये लोकल आई हुई है, पहले से पैक होकर आई हुई है। मगर क्या कर सकते दोस्तों, क्राउड इतना हो जाता है कि लोकल ट्रेन में कि एक दो लोकल ट्रेन तो छोड़नी पड़ती है। ये देखिए, यहाँ पर डोर पे खड़े हुए हैं, जो कि हमेशा बताया जाता है और अनाउंसमेंट भी होता है कि डोर पर खड़े रहना खतरनाक हो सकता है। मगर पब्लिक भी क्या करेंगे, इतना क्राउड होता है, इतना रश होता है, ट्रेन पूरी पैक होती है कि बाकी के लोगों को तो डोर पर लटकना ही होता है। मगर ये अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, खतरनाक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे एक्सीडेंट भी हो सकता है आगे चलकर, क्योंकि जब ट्रेन आगे चलती है तो बहुत फास्ट हो जाती है, तो ये ध्यान देना चाहिए। देखिए किस तरह से डोर पे लटके हुए हैं, और लेडीज़ लोग भी लटकी हुई है एंड जेंट्स लोग भी लटके हुए हैं। दोस्तों आप में से जो कोई मेरे इस चैनल को देख रहे हैं और मेरे इस चैनल पे नए हो, तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो बनाता हूँ। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ये देखिए ट्रेन कितनी फास्ट हो चुकी है, ये गई ट्रेन अभी। यहाँ पे देखिए, अभी हम दूसरी ट्रेन में हैं, चढ़ते वक्त मैं वीडियो नहीं ले पाया क्योंकि ट्रेन में रश था, तो मैं वीडियो नहीं निकल पाया। अभी देखिए मैं थोड़ा साइड पर खड़ा होकर बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर भी देखिए कितना क्राउड है, अभी प्लेटफॉर्म आने वाला है, तो आप देखिए कि जिस तरह से यहाँ से लोग उतरेंगे, जितने लोग उतरेंगे उससे डबल यहाँ पर लोकल ट्रेन पर लोग चढ़ेंगे। बने रहिए मेरे इस वीडियो पे और देखते जाइए। मुंबई में सच कहा जाए तो लोकल ट्रेन बढ़ानी चाहिए, जिससे कि पब्लिक को और से सुविधा मिले, क्योंकि जिस तरह से लोग चढ़ते हैं ट्रेन में, पब्लिक बहुत है, ट्रेन कम है। ये देखिए अभी प्लेटफॉर्म आ रहा है, देखिए पहले से आप देख सकते हो कि बाहर पब्लिक कितनी खड़ी हुई है। ये देखिए इस तरह से लटक कर जाते हैं दोस्तों। ये देखिए इनका हाथ देखिए कितना, यानी पूरे बाहर है, पूरा बॉडी बाहर है, सिर्फ हाथ अंदर की ओर है। देखिए डोर पे लटकते हुए लोगों को, इन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, और डर कब तक नहीं लगता है, जब तक इनके सामने कोई एक्सीडेंट ना हुआ हो, बस इन्हें तो चढ़ना है, अपनी मनमानी करना है। ये देखिए किस तरह से लटक रहे हैं, और इतना फास्ट होता है ना दोस्तों लोकल ट्रेन कि आप खुद को नहीं संभाल पाओगे, इस डोर पे खड़े होके तो नहीं संभाल पाओगे। इससे अच्छा होता है कि अंदर हम चले जाए, मगर ट्रेन में इतना क्राउड होता है, इतना रश है कि अंदर जाना तो मुश्किल ही है। ये देखिए अभी ट्रेन आगे की ओर बढ़ रही है, देख सकते हो किस तरह से दोनों हाथ से पकड़ के रखा है, एक तो डोर पे पूरी बाहर की ओर लटक रहा है। ये बहुत खतरनाक है, पब्लिक को भी ये बात समझनी चाहिए कि जैसे कि एक लोकल ट्रेन गई तो पीछे भी एक लोकल ट्रेन रहती है। मगर ट्रेन दोस्तों, मैं खुद ट्रैवल करता हूँ तो मुझको भी पता है कि ऐसा नहीं है कि आप इस ट्रेन को आपने छोड़ दिया और आप दूसरी ट्रेन में, उस ट्रेन में भी सेम आपको यही हालत मिलेगी। कोई ट्रेन आपको जो टाइमिंग होता है ना, मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम, उस टाइम पर आपको कोई भी लोकल ट्रेन खाली नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो टाइम होता है मॉर्निंग का, सभी का जॉब पर जाने का टाइम होता है, तो उस वक्त भी क्राउड जाते वक्त पूरा क्राउड होता है। और फिर इवनिंग टाइम में जो होता है, जॉब छूटने के बाद सभी पब्लिक का अपने घर जाने की ओर तैयारी रहती है, तो सभी लोगों का जाते आते वक्त भी क्राउड होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक लोकल ट्रेन छोड़ दोगे तो आपको दूसरी लोकल ट्रेन में जगह मिल ही जाएंगी, क्योंकि हर लोकल ट्रेन पैक होगी, टाइमिंग इतना होता है, क्योंकि पब्लिक इतना है, मुंबई का पब्लिक बहुत है,
जो डेली ट्रैवलिंग करता है, डेली अप डाउन करता है, जॉब के सिलसिले में बोलो या तो फिर कुछ काम के सिलसिले में, तो ये तो नहीं है कि आपको हर ट्रेन में जगह मिल जाएगी। बस इतना है, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि लोकल ट्रेन और बढ़ाई जाए, या फिर जो सिटिंग है सिटिंग का हटाकर थोड़ा खड़े रहने की व्यवस्था की जाए, जैसे कि ज़्यादातर मेट्रो में हम देखते हैं, मेट्रो लोकल ट्रेन में हम देखते हैं, तो उस तरह करेंगे तो थोड़ा पब्लिक को आसानी होगी। अभी देखिए, ये देखिए डोंबिवली स्टेशन आया है, आप देख सकते हो कितना क्राउड उतर रहा है, देखिए और जिस तरह से पब्लिक उतर रही है, जिस तरह से, उसी तरफ से आप देख पाओगे कि और भी पब्लिक अंदर की ओर आती है। तो देखिए आज होली है, तो देखिए होली के दिन मैंने भी होली मनाई, और देखिए मैं डोर के थोड़ा साइड पर हूँ, देख सकते हो दोस्तों कितना क्राउड है। इससे ऐसे क्राउड में मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना क्राउड होता है मुंबई में, कितना क्राउड होता है और पब्लिक किस तरह से ट्रैवल करती है मुंबई में, लोकल ट्रेन में किस तरह से ट्रैवल करती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, जो नए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के आपको वीडियो देखने को मिलेंगे मेरे इस चैनल पर, भारत मानिक व्लॉग्स पर। देखिए जो अंदर की ओर चल जाते हैं, कि जहाँ से ट्रेन छूटती है वहाँ से ही अगर वो अंदर की ओर चले जाते तो उन्हें कम से कम कुछ लोगों को बैठने के लिए भी मिल जाता है और कुछ लोगों को अच्छे से थोड़ा खड़े होने को भी मिल जाता है। तो बस यही चाहिए, थोड़ा अच्छे से खड़े हो जाए कि, और जो डोर के आसपास जो रहते हैं तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा क्राउड रहता है। अभी तो ये जो टाइम है थोड़ा अलग है, तो यह आप देख सकते हो कि पब्लिक यहाँ पर आसानी से खड़ी है, मगर वही देखिए आप यहाँ पर आगे की ओर देखोगे तो कितना आपको दिखेगा कि पब्लिक चिपक चिपक कर पब्लिक खड़ी हुई है, देख सकते हो आप यहाँ पे सभी के हाथ, आपको देखिए सभी अपना अपना बैलेंस संभाले हुए, अपने ऊपर पकड़ ऊपर की ओर पकड़ के रखे हैं हैंडल को, कि सभी बैलेंस बना के रखे ताकि जब ट्रेन चलती है थोड़ी हिलती है तो वो बैलेंस उनका बना रहे। अभी ये देखिए आप देख सकते हो, ये जो है कल्याण रेलवे स्टेशन आया हुआ है। कल्याण में भी दोस्तों ऐसा ही है कि कल्याण में भी पब्लिक बहुत हो चुकी है, क्योंकि जो लॉन्ग डिस्टेंस से आते हैं, जैसे कि जो कसारा, खपोली, करजत, टिटवाला, जो आसनगांव, वहाँ से जो आते हैं वो लोग ज़्यादातर कल्याण या थाने तक ही जॉब करते हैं, क्योंकि उनका अगर यहाँ तक जॉब करेंगे तो ये भी उनका कम से कम एक घंटे का टाइमिंग होता है, एक से सवा घंटे का ट्रैवल टाइम होता है। और अगर वो मुंबई सीएसटी या तो दादर साइड करने जाएंगे तो उनका ट्रैवल टाइम में उनका वक्त चले जाएगा, दो दो घंटा, उन्हें तो जाने में दो घंटा लगेगा और आने में दो घंटा लगेगा। तो ज़्यादातर पब्लिक जो होती है वो ठाणे या कल्याण तक जॉब करती है, और यहाँ से कल्याण से आपको बताऊँगा कि यहाँ से भिवंडी भी जाने को मिलता है, भिवंडी के लिए यहाँ से बसेस है एंड भिवंडी के लिए यहाँ से शेयर ऑटो भी चलते हैं। ये देखिए पब्लिक यहाँ पर, देखिए आप देखे हुए आपने कि पब्लिक उतर तो गई है, मगर यहाँ पर भी देखिए कि पब्लिक लाइन अभी भी देखिए यहाँ पर भी रश है चढ़ने के लिए, कुछ लोगों को चढ़ने को मिला है और कुछ लोगों को चढ़ने को नहीं मिला है। तो यही हाल है यहाँ के मुंबई के, कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको हर लोकल ट्रेन में जगह मिल जाएगी, एक लोकल ट्रेन आप छोड़ भी देंगे तो दूसरा लोकल ट्रेन भी है, उसमें भी कोई उम्मीद नहीं है कि आपको जगह मिलेगी। बस इतना है कि ट्राई तो आपको करना होगा लोकल ट्रेन के लिए, मगर मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोकल ट्रेन के लिए ट्राई करिए, मगर इतना भी इस तरह का ट्राई ना करें कि आप लटक के जा रहे हो, ये ख़तरनाक हो सकता है दोस्तों। तो आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करिए और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।